मैडम ये आप क्या कर रही हो, अपने कपड़े क्यों फाड़ रही हो आप? बहुत तुझे पैसे चाहिए ना, देख तू। पर मैडम मैंने तो आपको टच भी नहीं किया है। वो तुझे पता है, मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे। जी मैडम मैं आपके लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, आप आ जाइए। हाँ बस 5 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। चलो मैडम ओटीपी। अरे ओटीपी लेके क्या करोगे, चलो। मैडम कंपनी का रूल्स है, हमें तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। ये सब रूल्स रूल्स के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? 100 पैसे लगते मुझसे ले लो, कितना लगेगा? 600 ना, मुझसे 800 ले लेना, चलो अब। मैडम मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हुई तो? अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, 100 पैसे दे दूंगी ना, चलो। अच्छा ठीक है फिर। मैडम पहुंच गया हम, आप पेमेंट कैश में करोगी या जीपे? ये लो कैश में लो। मैडम ये तो 300 रुपए है। हाँ तो यहाँ तक के इतने ही बनते हैं। मैडम ऐप पे आपने खुद देखा 600 रुपए बता रहे थे, पर आपने कहा था कि आप 800 रुपए दोगी, पर आप खुद मुकर रही हो अभी। यहाँ तक की इतने पैसे होते, लेना है तो लो नहीं तो वापस दे दो। मैडम कम से कम 600 रुपए दे दीजिए आप मुझे, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। 300 रुपए से एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। मैडम जब तक आप मेरे पूरे पैसे नहीं दोगी आप कार से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा तो मुझे रोकेगा कौन, तू या तेरा बाप? ठीक है आप बाहर जाके देख लो। दरवाजा खोल, आप मेरे पूरे पैसे दे दो मैं दरवाजा खोल दूंगा। रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मैडम ये आप क्या कर रही हो, अपने कपड़े क्यों फाड़ रही हो आप? बहुत तुझे पैसे चाहिए ना, देख तू। पर मैडम मैंने तो आपको टच भी नहीं किया है। वो तुझे पता है, मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे, बचाओ, हेल्प 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 हेल्प। खोल दिया मैडम। मैडम क्यों बेकार का ड्रामा कर रही हो आप? मैडम क्या हुआ आपको? देखिए ना ये ड्राइवर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं तो जान बचा के इस कैब से बाहर निकली हूँ। नहीं नहीं भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैडम झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तुम जैसे लड़कों के वजह से लड़कियां सेफ नहीं है। मैडम मेरे घर में ही माँ बहन है, मैंने कभी किसी लड़के को गंदी नजर नहीं देखा। अच्छा तो तू ये बोलना चाह रहा है कि इसने ये हालत खुद की होगी? एक मिनट रुको, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ यह भी पता चल जाएगा। तुम अपनी बात बताओ और भाई तुम अपनी बात बताओ। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। अच्छा कुछ भी नहीं है इसके पास। भाई मुझे मैडम पर तभी डाउट हो गया था जब इन्होंने ज्यादा पैसे देने की बात कही थी, तो मैंने अपने फोन में कैमरा ऑन करके सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब ये देखो। रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मैडम ये आप क्या कर रही हो, अपने कपड़े क्यों फाड़ रही हो आप? बहुत तुझे पैसे चाहिए ना, देख तू। पर मैडम मैंने तो आपको टच भी नहीं किया है। वो तुझे पता है, मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे। तुम्हारी इस हरकत के वजह से इसकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हें ये सब करने में मजा आता है क्या? तुम्हें पता है ये वीडियो अगर पुलिस को मिलेगी ना तुम्हें जेल भी हो सकती है। मुझे माफ कर दो, वो छोटी सी बात के लिए लड़कों पे लड़कियां झूठा आरोप लगा देती है।
इससे लड़कों की तो जिंदगी बर्बाद होती है और साथ में उसके पेरेंट्स पे क्या बीतता है। लगता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो क्या? मैं सुन, कान खोल के मेरी बात सुन, फिर कभी ऐसी घटिया हरकत मत करना। देखिए ये वीडियो है मेरे पास, आई बात समझ में? अब निकलो यहां से। चलो निकलो। धन्यवाद भाई, आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। इट्स ओके, झूठा इल्जाम लगाने पर क्या फील होता है ये मुझे पता है। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। गरीब को इज्जत मिल गई, यही बहुत है।